मेरा नाम बबली देवी है, हम सिमरा पंचायत से हैं और शिव गंगा सिंचाई समिति के हम सदस्य हैं। हमको हम लोगों को आगा खान से हम एसएचजी का समूह भी चलाते हैं 2013 से। उसके बाद दो साल चलाए हैं, उसका दो साल के बाद शेयर आउट हुआ, इसी में से शेयर आउट करके हम लोग जीआई का काम कराए हैं 2016 से। जीआई न होने से पहले हम लोग मोटा मोटी हल्दी का खेती अरहर रोपते थे, मोटा मोटी खेती करते थे। जब से जीआई का काम हो गया है, जीआई हम लोग को मिल गया है, उससे हम लोग साग सब्जी का खेती करते हैं। साग सब्जी की खेती करके उसे मतलब अपना भी मतलब खाते हैं और बेच भी लेते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के गांव हरपुर उर्फ अजीतपुर की रहने वाली बबली देवी शिव गंगा सिंचाई समूह के सदस्य के रूप में जुड़कर घर की माली हालात को सुधारने का काम कर रही हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के ऐसे ही तमाम गांव हैं जहां की महिलाएं आत्मनिर्भरता की विशाल पेश कर रही हैं और यह सब संभव हुआ है आगा खान ग्राम समर्थन कार्यक्रम भारत व जॉन डियर इंडिया के सहयोग से। मुजफ्फरपुर के तमाम गांव में आगा खान ग्राम समर्थन कार्यक्रम भारत द्वारा जॉन डियर इंडिया के सहयोग से छोटे और मझोले किसानों की आय में इजाफा करने का काम किया जा रहा है। गांवी महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने, ग्रामीण ढांचे को मजबूत बनाने सहित कई ऐसे काम किए जा रहे हैं जो गांव से लोगों के पलायन को रोकने में काफ़ी मददगार साबित हुआ है। इस कड़ी में AKRSPI यानी आगा खान ग्राम समर्थन कार्यक्रम भारत द्वारा गांव की महिलाओं को कई तरीकों से मजबूत बनाने का भी काम किया जा रहा है, जिसमें महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर बचत की आदतों को बढ़ावा देना, स्किल आधारित ट्रेनिंग देना, उन्नत खेती के तरीकों में नुपुर बनाने से तमाम काम शामिल हैं। यही वजह है कि यह महिलाएं आज चौके चूल्हे से ऊपर उठकर परिवार की आमदनी बढ़ाने में घर के पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल पा रही हैं। खेत में किचन गार्डन के साथ साथ एक बर्मी का भी मिला है पैकेट, वो 25 किलो की, और उसके बाद दवाई छिड़ने वाला मशीन भी मिला है हम लोगों को, खुरपी भी मिला है, कोदारी भी मिला है खेती करने के लिए। पूरा आगा खान हम लोगों को किसान बना दिए। तो किचन गार्डन करने से क्या फायदा हो रहा है? जो आपके आसपास ज़मीनें खाली रहती थी उसका उपयोग हो रहा है, उसी में लगाए हुए हैं। और क्या फायदा है परिवार को, क्या फायदा हो रहा है? परिवार को यही फायदा होता है जो बाहर से हम खरीद करके नहीं लाते हैं साग सब्जी, अपना खेत में लगाते हैं और अपना ताज़ा सब्जी खाते हैं। तो इससे बच्चों के स्वास्थ्य और आपके स्वास्थ्य पर क्या बहुत बहुत फर्क पड़ा है? हरा साग सब्जी खाने से और आलू के सब्जी खाली खाने से बहुत फर्क पड़ा है। हरपुर उर्फ अजीतपुर गांव की तमाम महिलाएं घर के कामकाज के साथ साथ उन्नत खेती के गुरु सीखकर 3 गुना अधिक तक मुनाफा कमा रही हैं। बबली जैसी महिलाओं का कहना है कि उनके गांव में पहले सिंचाई के साधन नहीं होने से कम पानी में होने वाले हल्दी और दलहन जैसी फसलों की खेती होती थी, जिससे घर का खर्चा बड़े मुश्किल से चल पाता था। ऐसे में AKRSPI यानी आगा खान ग्राम समर्थन कार्यक्रम भारत द्वारा गांव की महिलाओं को संगठित कर एक महिला समूह की स्थापना की गई, जिसके जरिए गांव में सोलर पंप की स्थापना के साथ ही मधुमक्खी पालन और सब्जियों की खेती को बढ़ावा दिया गया। आज हरपुर उर्फ अजीतपुर गांव में के लगभग सभी घरों की महिलाएं सब्जियों की अगेती खेती कर रही हैं, मधुमक्खी पालन जैसे काम कर रही हैं, जिससे बाजार में सब्जियों की आवक के पहले ही उन्हें अच्छा रेट मिल जाता है। हरपुर गांव में AKRSPI द्वारा जॉन डियर इंडिया के सहयोग से संचालित इस परियोजना के क्रम में गांव की महिलाओं को वर्मी कंपोस्ट तैयार करने की ट्रेनिंग देकर गांव में ही वर्मी कंपोस्ट तैयार कराया जा रहा है, जिससे यहां के लोग अपने सब्जियों की खेती में वर्मी कंपोस्ट खाद का प्रयोग करते हैं। जैविक तरीके से सब्जियों की खेती करने के चलते इनकी सब्जियों की मांग और रेट अधिक होती है। गांव से पलायन रोकने के लिए भी कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए छोटे मझोले और कम आय वर्ग को खेती, शिक्षा, रहन सहन आदि में सुधार के लिए तैयार किया जा रहा है
और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। RSPI के बिहार प्रदेश के रीजनल मैनेजर सुनील कुमार पांडे ने बताया कि मुजफ्फरपुर जिले के जिन गांव में AKRSPI द्वारा जॉन डियर इंडिया के सहयोग से परियोजना संचालित की जा रही है, वहां गांव के संपूर्ण ढांचागत विकास पर जोर दिया जाता है। उन्होंने बताया कि गांव में स्कूल, आंगनवाड़ी, पंचायत भवन, साफ सफाई, ऊर्जा के वैकल्पिक साधन आदि के स्थायीकरण पर जोर दिया जा रहा है, जिसके लिए सामुदायिक भागीदारी के साथ साथ AKRSPI द्वारा संसाधनों की उपलब्धता पर भी जोर दिया जाता है। इसी संस्था में कृषि प्रबंधक डॉक्टर बसंत कुमार ने बताया कि किसानों को खेती में घाटे से उबारने के लिए उनको गांव में ही समय समय पर उन्नत खेती के लिए जरूरी टिप्स भी दिया जाता है। इसके लिए गांव में ही किसान खेत पाठशाला बनवाई गई है, जिसमें किसान खेती बाड़ी के गुरु सीखते हैं। गांव में सोलर पंप, पाली हाउस, सोलर कोल्ड स्टोर आदि की स्थापना कराई गई है, जिससे किसान खेती में जोखिम और लागत को कम करने में कामयाब रहे हैं। उन्हें अधिक उत्पादन भी मिल रहा है, इससे गांव वालों के आय में काफ़ी इजाफा हुआ है। पूनम देवी जैसी तमाम महिलाओं को AKRSPI द्वारा रोजगार से जोड़ने के लिए मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग भी दिलाई गई है और उन्हें मधुमक्खी पालन के लिए बक्से मुहैया कराए गए हैं। पूनम देवी के पास आज के दिन में मधुमक्खी पालन के लिए 125 बक्सों से भी ज़्यादा की संख्या है, जिनसे वह लीची, जामुन और तोरिया के फ्लेवर में शहद तैयार कर पाती हैं। विभिन्न फ्लेवर में शहद तैयार करने के सवाल पर पूनम देवी ने बताया कि वह शहद में सुगंध और स्वाद लाने के लिए मधुमक्खी पालन के डिब्बों को जामुन, लीची और तोरिया के फसल के साथ रखती हैं, जहां मधुमक्खियां इन फसलों से शहद इकट्ठा करके